नमस्कार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग और डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इन सीआरटी। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में सीआरटी की वर्किंग के बारे में अपन बात कर चुके हैं और सीआरटी को सीआरओ का हार्ट कहा था, यानी कि कैथोड रे ट्यूब सीआरओ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और उसकी लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने उसकी बात की थी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग इन सीआरटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी बात करते हैं। यहाँ तो डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। पैरेलल प्लेट्स नीचे की तरफ नेगेटिव सप्लाई है, नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है। ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया गया है। यहाँ डॉटेड लाइंस दिखा रखी है, ये फील्ड लाइंस हैं। अपन देखेंगे अंदर की तरफ तो पैरेलल है और किनारों पे ये वक्री है, कर्व की फॉर्म में है। और ये जो बोल्ड डार्क लाइंस दिखा रखी है, ये इक्विपोटेंशियल्स लाइंस है। इक्विपोटेंशियल्स का मतलब है कि इस प्लेट से पर किसी भी बिंदु पे पैरेलल में देखते हैं तो पोटेंशियल सेम आएगा, तो इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग की बात करने से पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो किसी भी स्थिर विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस का ई इंटू ई से। ई इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वोल्ट पर मीटर में। स्थिर विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट की ओर गति करता है तथा इसकी जो गति की दिशा होती है, गति की दिशा फील्ड लाइंस के विपरीत होती है। अगर फील्ड लाइन नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेगा। प्लेट्स के मध्य में विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, अतः प्लेट्स के मध्य रेखाएं जो लाइंस दिखा रखी है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, परंतु प्लेट्स के किनारों पर क्षेत्र की तीव्रता किनारों के अंदर की ओर अधिक तथा जैसे जैसे बाहर की ओर चलते हैं, यानी कि बाहर की तरफ आते हैं, तो तीव्रता कम हो जाती है। अतः किनारों पर जो फील्ड लाइंस होती हैं, यानी कि क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं, प्रतिकर्षण बल के कारण, यानी कि रिपल्सन जो फोर्स होता है उसके कारण वक्रीय यानी कि कर्व फॉर्म में हो जाती है। विद्युत क्षेत्र में नेगेटिव तथा पॉजिटिव प्लेट के बीच वोल्टेज के वेरियस यानी कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं। ये देखिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, इस तरह से बहुत सारे पोटेंशियल के लेवल्स हैं। यानी कि यहाँ लोअर पोटेंशियल है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हायर पोटेंशियल होता है। यानी कि यदि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की और प्लेट के परपेंडिकुलर लंबवत गति की जाए तो मार्ग का वोल्टेज लगातार बदलता जाएगा, परंतु प्लेट से एक समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं का वोल्टेज समान होगा। यानी कि प्लेट से किसी भी कांस्टेंट डिस्टेंस पे वोल्टेज सेम रहेगा और उस लेवल को इक्विपोटेंशियल लेवल कहते हैं, क्योंकि किनारों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं होती है, अतः वहां पर इक्विपोटेंशियल जो लेवल है वह भी क्या हो जाता है, कर्व की फॉर्म में आ जाता है, वक्रीय हो जाता है। विद्युत क्षेत्र में गति करने वाला
इलेक्ट्रॉन सदैव इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर लंबवत गति करता है। यदि इक्विपोटेंशियल की वक्रीयता बदलती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ नीचे एक और डायग्राम दिखाया गया है, इसमें ये जो ये सरफेस दिखा रखी है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें एक तरफ माइनस का वी पोटेंशियल है और दूसरा प्लस वी पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए किसी सरफेस पे, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहे करने लग जाएगी। तो यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि कोई भी कैथोड रे जो आ रही है वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को थीटा आई एंगल पे टकराती है, यानी कि मिलती है, और उस टाइम उस रे की उस जो इंसिडेंट बीम है उसकी स्पीड क्या है, v1 है। और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से टकराने के बाद क्या होता है, इसकी वेलोसिटी बदल जाती है, यानी कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएगा और उससे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और उसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी उसकी डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर लंबवत होती है, और यानी कि स्पीड चेंज होकर क्या हो गई, v2 हो गई। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो टेंजेंशियल कंपोनेंट समान होंगे, यानी कि इस vt1 जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है और इसका vt2 जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ दिखा रखा है vt1 इज इक्वल टू v1 sin थीटा i, यानी कि इंसिडेंट, और vt2 इज इक्वल टू v2 sin थीटा r, यानी कि रिफ्लेक्टेड। दोनों इक्वल हैं तो इस कंडीशन में v1 sin थीटा i इज इक्वल टू v2 sin थीटा r हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो sin थीटा i डिवाइड बाय sin थीटा r इज इक्वल टू v2 / v1। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्टिक्स, लाइट ऑप्टिक्स होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, उसके अंदर ये फॉर्मूला काम में आता है, यानी कि प्रकाश अपवर्तन का नियम जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं उसके सेम है ये। तो यहाँ पर क्या माना जा सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कैथोड रे के लिए उसी प्रकार व्यवहार करती है, यानी कि कार्य करती है जैसे कि एक लेंस प्रकाश किरणों के लिए व्यवहार करता है। अतः हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल ऑप्टिकल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। सीआरओ के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग प्रिंसिपल काम में लिया जाता है। तो सीआरओ के अंदर या सीआरटी की जब बात करते हैं, दो हॉरिजॉन्टल और डिफ्लेक्शन प्लेट से इलेक्ट्रॉन गन जहां पर था, तो इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन किसी कैथोड से उत्सर्जित होके और स्क्रीन तक जाता है तो उससे पहले प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड से पास होना पड़ता है, यानी कि वहां से गुजरना पड़ता है, और बीच में है फोक्सिंग एनोड। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड ये देखेंगे, ये रहा प्री एक्सेलरेटिंग एनोड का पोटेंशियल यहाँ जोड़ रखा है और एक्सेलरेटिंग एनोड का वोल्टेज यहाँ जोड़ रखा है, तो इसका पोटेंशियल इस फोक्सिंग एनोड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, यानी कि प्री एक्सेलरेटिंग एनोड का पोटेंशियल भी ज्यादा है लेकिन फोक्सिंग एनोड का थोड़ा कम है, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। सेम इसी तरह फोक्सिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड के बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो जहां पर भी दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मध्य में तो पैरेलल होती है और एजेज साइड पर वक्रीय हो जाती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक्सिंग की वर्किंग जो दिखाई गई है, ठीक है, वो सीआरओ के अंदर यूज में लेते हैं, और
फॉक्सिंग एनोड के दोनों ओर इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाती है। इक्विपोटेंशियल ये फॉक्सिंग एनोड, ये फॉक्सिंग एनोड है, इनके दोनों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाती है। इस कारण इस फॉक्सिंग सिस्टम में डबल कॉनकेव लेंस, ये एक तरह से लेंस बन गए हैं, डबल कॉनकेव लेंस बन जाते हैं। और जो क्या करते हैं, जो बीम आती है जिसको कैथोड रे कहते हैं, उस कैथोड रे को फोकस करने का काम करते हैं और डिजायर्ड स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होता क्या है? डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जब कोई डिफ्लेक्शन वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, डिफ्लेक्शन वोल्टेज अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, वो बीम क्या हो जाता है, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि यहां पर दिखा रखा है कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, डी। तो कैपिटल डी क्या है, डिफ्लेक्शन ऑन स्क्रीन, मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल एल रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्लेक्शन जो प्लेट है, उस डिफ्लेक्शन प्लेट का सेंटर से और स्क्रीन जहां पर पर्दा बना हुआ है, जहां पर डिस्प्ले होगा, उसके बीच की डिस्टेंस को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया गया है। डिफ्लेक्शन प्लेट की लेंथ एल डी, यानी कि इफेक्टिव लेंथ से रिप्रेजेंट किया गया है। डी, दोनों प्लेट्स जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच की गैप कितना है, यानी कि उसमें दूरी कितनी है, डी। और ईडी, डिफ्लेक्शन प्लेट पर कितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ई है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, त्वरित करने के लिए उसके ऊपर कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। और ये इनिशियल, इस डिफ्लेक्शन प्लेट से कोई इलेक्ट्रॉन जब पहले इसमें है तो उसकी स्पीड को वी ओ एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। तो सब डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या हुई है, तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी एस, इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंसिटिविटी, द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी एस ऑफ सीआरटी इज डिफाइन एज द डिफ्लेक्शन ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के ऊपर कितना डिफ्लेक्शन हुआ है मीटर में, पर वोल्ट ऑफ डिफ्लेक्शन वोल्टेज। डिफ्लेक्शन वोल्टेज अप्लाई करने से स्क्रीन के ऊपर कितना डिफ्लेक्शन हुआ है उसे डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कहते हैं, यानी कि एस इज इक्वल टू डी अपॉन ई डी। अगर डिफ्लेक्शन वोल्टेज को 1 वोल्ट कंसीडर कर दें तो 1 वोल्ट डिफ्लेक्शन वोल्टेज अप्लाई करने पर स्क्रीन पर कितना डिफ्लेक्शन होता है उसे उस सीआरटी की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कहते हैं। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल, यानी कि जस्ट 1 अपॉन अगर मैं एस करता हूं तो उसको डिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ एक बात ध्यान क्या रखने की है कि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी किस किस पर निर्भर कर रही है, उसका जस्ट रिवर्स डिफ्लेक्शन फैक्टर में हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी एस डिफ्लेक्शन प्लेट की जो लेंथ है, यानी कि एल डी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेंसिटिविटी समानुपाती है किसके, डिफ्लेक्शन प्लेट की इफेक्टिव लेंथ के लिए। दूसरा, प्लेटों के बीच का जो गैप है, डिफ्लेक्शन प्लेट की गैप कितना है, डी, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर इनका बीच का गैप बढ़ाते हैं तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, और इनका गैप कम कर देते हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ई ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि विलोमानुपाती है, जस्ट रिवर्स, सेम, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कम करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। डिफ्लेक्शन वोल्टेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है ये, डिफ्लेक्शन वोल्टेज वी डी, डिफ्लेक्शन वोल्टेज पर सेंसिटिविटी निर्भर नहीं करती है, यानी कि डिफ्लेक्शन वोल्टेज को अगर बढ़ा भी दें तो सेम यहां पर भी बता रखा है कि अगर सेंसिटिविटी डिपेंड नहीं कर रही डिफ्लेक्शन वोल्टेज पे, तो इसका मतलब क्या है कि डिफ्लेक्शन फैक्टर भी डिफ्लेक्शन वोल्टेज पे निर्भर नहीं करेगा। तो जी, यानी कि डिफ्लेक्शन फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिफ्लेक्शन वोल्टेज,
बट वेरीज लीनियरली विथ एसिलेटिंग वोल्टेज। जस्ट जो एस में बात की थी उसका जस्ट रिवर्स बात करेंगे जी, यानी कि डिफ्लेक्शन फैक्टर में। तो देयरफॉर हाई एसिलेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन बीम दैट रिक्वायर्स ए हाई डिफ्लेक्शन पोटेंशियल फॉर ए गिवन पोजिशन ऑफ द स्पॉट ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच।